हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑनकर्स पे। दोस्तों, आज हम मैकेनिक्स के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लामीस थ्योरम। लामी का प्रमेय हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, हम आज लामी के प्रमेय में देखेंगे। देखिए, लामी का प्रमेय क्या होता है देख लेते हैं। यदि एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल, ठीक है, एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था का मतलब पता है आपको कि वो उसी जगह पे स्थिर रहेगा, साम्यावस्था में हो, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की ज्या के समानुपातिक होता है। तो ये हमें प्रूव करना है, हमें लाना क्या है, देखिए, P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन गामा। तो ज्या मतलब कि साइन होता है, ज्या के समानुपातिक होता है करके बोला गया, कोण की ज्या के समानुपातिक होता है, अन्य दो के बीच के कोण की ज्या के समानुपातिक होता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तीन बल बना लेते हैं और एक बिंदु साम्यावस्था में ले लेते हैं, ठीक है। एक बिंदु साम्यावस्था में हो गया, तीन बल हो गया, P पहला बल, दूसरा बल Q, तीसरा बल R, P Q R, ये बिंदु जो है साम्यावस्था में है। और अब दोनों तीनों का कोण देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कोण है, यहाँ पे बीटा कोण है, यहाँ पे गामा कोण है, ठीक है, ये हो गया कोण। अब इसके बाद में तो क्या बोला गया है, P अपॉन दूसरे के कोण की ज्या के समानुपातिक, अगले दो के कोण की ज्या के समानुपातिक। जैसे ये बल हो गया तो P अपॉन साइन अल्फा हो जाएगा, क्यू अपॉन साइन बीटा हो जाएगा और आर अपॉन साइन गामा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ले सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि मान लो एक बिंदु तीन बल पी क्यू आर क्रमशः ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के अनुदिश क्रियाशील है। तीन बल पी क्यू आर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के अनुदिश क्रियाशील है। मान लो कि बल पी क्यू तथा आर क्रमशः ओ ए ओ बी तथा ओ सी द्वारा परिमाण तथा दिशा के में निरूपित होते हैं। ओ बी ओ सी ओ ए ओ बी ओ सी द्वारा परिमाण में निरूपित होते हैं, ठीक है। यहां तक ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो जाएगा और ओ सी हम यहां तक मान लेते हैं, ये परिमाण हो गया उसका और दिशा भी वही होगी उसकी। तो समानांतर चतुर्भुज ओ ए ओ ए डी बी, ये ओ हो गया, ओ ए डी और बी कहाँ पे है, ये बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें एक समांतर चतुर्भुज मिल गया पूर्ण कर दो तथा विकर्ण ओ डी को मिलाओ, ये विकर्ण बन गया, यहाँ समांतर चतुर्भुज बन गया, तो यह वाला विकर्ण बन गया, ठीक है। तब समांतर चतुर्भुज नियम से ओ ए के अनुदिश बल पी, ओ ए के अनुदिश बल पी और इसके अनुदिश बल पी तथा ओ बी के अनुदिश बल क्यू तथा ओ बी के अनुदिश बल क्यू का परिणामी विकर्ण ओ डी द्वारा परिमाण और दिशा को निरूपित करता है, ठीक है। विकर्ण ओ डी द्वारा परिमाण और दिशा को निरूपित करता है, मतलब कि उसका परिमाण और दिशा क्या हो जाएगा, हमें ये वाला प्राप्त हो जाएगा परिमाण और दिशा। अब इसके बाद में किंतु बल पी क्यू आर साम्यावस्था में है, फलतः आर तथा ओ डी द्वारा निरूपित बल साम्यावस्था में है। देखिए ये क्या हो गया, इस प्रकार ये हमें क्या मिल गया, परिमाण और दिशा मिल रहा है, ठीक है, इसका परिमाण और दिशा और यहाँ पे ये बल लग रहा है। तो अब इन दोनों को हम बोल सकते हैं कि बल R और OD साम्यावस्था में है, ठीक है, फलतः R तथा OD द्वारा निरूपित बल साम्यावस्था में है। अतः बल R DO द्वारा निरूपित होता है और DOZ एक सरल रेखा है। देखिए ये D, ये O हो गया और ये Z हो गया, ये तीनों एक सरल रेखा में है। चूंकि AD तथा OB बराबर और समांतर है, चूंकि AD तथा OB, जैसे कि यहाँ पे ये A हो गया, ये D हो गया, AD तथा OB बराबर है और समांतर है, ठीक है, ये दोनों बल समांतर है, इसलिए AD Q को परिमाण और दिशा में निरूपित करता है। इसलिए AD, AD कहाँ, ये वाला AD Q को, ये Q है, को परिमाण और दिशा में निरूपित करता है, परिमाण और दिशा में निरूपित करता है, क्योंकि वो समांतर है और ओबी के बराबर है। तो क्रिया रेखा तो ये हो जाएगी, मां की समांतर हम यहां से ले सकते हैं। अतः दिए गए तीन बल पी क्यू आर परिमाण और दिशा में क्रमशः त्रिभुज ओ ए डी की भुजाओं ओ ए ओ डी ए डी तथा डी ओ से निरूपित होते हैं। अब त्रिभुज देख लेते हैं, ओ ए डी, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, तो अगर इसको ये दो पार्ट में हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, निरूपित होते हैं। मान लो अल्फा बीटा गामा बलों क्यू तथा आर
आर तथा पी, पी तथा क्यू के बीच के कोण है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, जैसे कि यहाँ पे आर और पी के बीच में क्या है, बीटा है, पी और क्यू के बीच में क्या है, गामा है, और क्यू और आर के बीच में क्या है, अल्फा है। तो इस प्रकार अल्फा बीटा गामा निरूपित किया गया है, कोण को मान लिया गया है। बीसी कोण है अर्थात कोण वाई ओ जेड इक्वल टू अल्फा, कोण जेड ओ एक्स इक्वल टू बीटा, और कोण एक्स ओ वाई इज इक्वल टू गामा। अब हम त्रिभुज ए ओ डी में ओ ए डी में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसी को बढ़ाया गया इस लाइन को, तो किसी भी लाइन का अगर एंगल देखा जाए, किसी भी लाइन के बीच में कोण देखा जाए, तो 180 अंश का कोण बनता है, ठीक है, और दोनों को पूरा मिला दे तो 360 अंश का कोण बन जाता है, लेकिन एक साइड को देखा जाए तो 180 अंश का कोण बनता है। तो ये जो कोण बना है इसके बीच में 180 अंश का है। अब अगर इस कोण को हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 180 है, यहाँ पे बीटा है, यहाँ तक की वैल्यू बीटा है, और इस पूरे की वैल्यू 180 है, हमें इसको निकालना है तो बस आपको माइनस करना होगा बीटा से, तो 180 माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ पर का कोण निकल जाएगा, मतलब कोण डी ओ ए निकल जाएगा, ठीक है, जो कि 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो डी ओ ए निकल गया 180 माइनस बीटा, सेम वैसे ही ओ डी ए इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, और कोण डी ए ओ इज इक्वल टू 180 माइनस गामा, तो इन सबको मान लिया गया। अब इसके बाद में कोण ओ ए डी में ज्या के सूत्र के प्रयोग से हम रखते हैं, त्रिभुज ओ ए डी कहाँ पे है, ये हो गया ओ ए और डी, अब तीन यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे तीन कोण कितने 180 अंश के होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया 180 माइनस गामा, यहाँ पे 180 माइनस अल्फा, और यहाँ पे 180 माइनस बीटा। अब तीन कोण है हमारे पास में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बना हुआ है ये इसके बराबर हो जाएगा, गामा के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे जो कोण बना हुआ है ये अल्फा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बना है वो यहाँ बोल सकते हैं हम, वो कोण जो है डी ओ ए बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद में ओ ए साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा ओ ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, तो साइन के सूत्र में क्या होता है, ओ ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, कहां से है, हम इसको लेते हैं, अगर इसको ओ ए ले रहे हैं वाला भुजा, तो उसके सामने वाला एंगल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, अब इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा ए डी, ए डी अपॉन उसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है उसके सामने वाला, तो 180 माइनस बीटा, और उसी के सामने वाला एंगल कौन सा है, जैसे इसको लेते हैं ओ डी अपॉन क्या हो जाएगा इसके सामने वाला एंगल, ये 180 माइनस गामा हो जाएगा, 180 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए इक्वल है बल पी के, ठीक है, ओ ए क्या है, बल पी है, अगर ए डी को देखा जाए तो ए डी जो है बल क्यू के इक्वल है, ठीक है, और ओ डी को देखा जाए, यहाँ पे ओ डी है उसको, तो वो बल आर, तो इस प्रकार से लिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी अपॉन साइन अल्फा, अब यहाँ पे 180 माइनस अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा ही मिलेगा, 180 माइनस बीटा करेंगे तो साइन बीटा ही मिलेगा, और 180 माइनस गामा करेंगे साइन में तो साइन गामा ही मिलेगा, निकाल के देख सकते हैं इसको। तो हमें मिल गया पी अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि एक बिंदु पर क्रियाशील तीन बल साम्य अवस्था में हो तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच के कोण की जाके समानुपातिक होता है, जो कि आ चुका है, hence रुद्ध, ठीक है, छोटा सा है, देखिए आगे। अब यहाँ पे ये प्रमेय को याद रख लेना कि यहाँ पे क्या क्या होगा कि अगर एक द्विपिंड की साम्यावस्था की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित परिणाम उपयोगी सिद्ध होंगे, जैसे कि एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष सी से खींची गई एक सरल रेखा सी डी सम्मुख भुजा ए बी को दो रेखाखंडों में एन एम ए अनुपात में विभाजित करती है, जैसे कि यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, शीर्ष क्या हो गया सी हो गया, से खींची गई एक सरल रेखा सी डी, अब यहाँ से सी डी हम एक सरल रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, कि सम्मुख भुजा ए बी, अब ये सम्मुख भुजा को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यहाँ से दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, को दो रेखाखंडों में
एम एन में विभाजित करते हैं, जैसे कि एम हो गया, ये एन हो गया, एम एन में अनुपात में विभाजित करते हैं, तब क्या हो जाएगा, एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एम प्लस एन कॉट थीटा, ये जो थीटा एंगल बना हुआ है, यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, तो एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल टू एम कॉट अल्फा, मतलब एम कॉट अल्फा माइनस एन कॉट बीटा, एन कॉट बीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। एम प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए, ऐसे भी कह सकते हैं कि एम प्लस एन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट ए, एन कॉट ए ये वाला एंगल मान लेते हैं, माइनस एम कॉट बी, एम कॉट बीटा, हम इसको ले सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसका यूज करके कैसे सॉल्व करेंगे थ्योरम को देखिए, एग्जाम्पल नंबर थ्री इसका, एक दंड जिसका गुरुत्व केंद्र है उसे ए और बी दो भागों में विभाजित करता है, एक चिकने गोले के भीतर रखी हुई है, दर्शाइए कि यदि संतुलन अवस्था में क्षैतिज से झुकाव थीटा कोण है तो गोले के केंद्र पर दंड टू अल्फा कोण अंतरित करते हैं, कहती है तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए टेन अल्फा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, लामी प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसके हल के लिए मान लो कि दंड ए बी गोले के केंद्र ओ पर टू अल्फा कोण अंतरित करता है, अर्थात कोण ए ओ बी इज इक्वल टू टू अल्फा, ठीक है, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू टू अल्फा। देखिए जैसे किस चित्र को दिखा लेते हैं, ए बी क्या है, एक दंड है, मतलब कोई बोल सकते रॉड है हमारे पास में, तो गोले के केंद्र ओ पर टू अल्फा कोण अंतरित करता है। देखिए जैसे ये ओ हो गया, कोई बिंदु ले लिया, और दंड क्या है, गोले का केंद्र हो गया, ये गोला का केंद्र हो गया, उसके अंदर ए बी कोई रॉड है, कोई दंड हमारे पास में है ए बी, हम उसको इस प्रकार से रख दिए, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जिस पर टू अल्फा कोण अंतरित करता है, अर्थात कोण एओ बी बराबर टू अल्फा, देखो इस पर टू अल्फा कोण अंतरित करता है, एओ बी बराबर ओ ए बी बराबर ये टू अल्फा है, ठीक है। अब उसके बाद में हम अवलोकन कहते हैं कि दंड के अंत बिंदु ए और बी क्या है, अंत बिंदु दोनों पर क्रिया करने वाली दोनों प्रतिक्रियाएं, अब यहाँ पे हम क्रिया कर रहे हैं, अब यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब कि बल तो लग ही रहा है, ये नीचे की ओर बल लग रहा है, ठीक है, इसमें दोनों अगर गुरुत्वाकर्षण के नियम से नीचे की ओर बल लग रहा है, हम गोले के अंदर में इसको रख दिए हैं, तो इस पर जो बल लग रहा है उसकी प्रतिक्रिया क्या है, अगर इस तरफ बल लग रही है तो उसकी प्रतिक्रिया बल है आर, इसकी प्रतिक्रिया बल है एस, जो गोले के केंद्र पर की ओर लग रही है, ठीक है, हमेशा केंद्र बल, तो इसके बाद में दोनों प्रतिक्रियाएं आर और गोला एस गोले के केंद्र से गुजरती है, दोनों की प्रतिक्रियाएं जो है, और तीसरा बल दंड का भार डब्लू दंड के गुरुत्व केंद्र जी से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया करता है। देखिए अब ये दंड है, ये जो दंड रखा हुआ है ए बी, उसका भार जो है गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर क्रिया कर रही है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम से वो नीचे की ओर उसका बल जो है बल लग रहा है उसमें। अब इसके बाद में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्रिया करता है, ठीक है, अतएव जी ओ से ओ के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नीचे होना चाहिए, क्योंकि तीनों बल संतुलन अवस्था में है, ठीक है, तीनों बल संतुलन अवस्था में है, अतः वे एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तो ये वाला बल हो गया, इसी ये वाला नीचे की ओर लग रहा है, अगर इसका क्रिया रेखा खींची जाए तो इसको अगर आगे बढ़ा सकते हैं, इसको इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसको एक पॉइंट ये हो गया, अगर इसका प्रतिक्रिया बल देखा जाए ये भी इस प्रकार जा रहा है, इसी पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी इस प्रकार हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बिंदु केंद्र बिंदु पर कट रहा है तीनों, ठीक है। अब उसके बाद में कोण मतलब बिंदु ओ पर मिलते हैं, मान लो ओ जी ए से होकर जाने वाले क्षैतिज रेखा से एन में मिलता है, ओ जी जो है एक ए से जब जाने वाली क्षैतिज रेखा एन पे मिलता है, तो ओ से ओ डी ए बी लंब रूप खींचो, यहां से अगर बढ़ाएं इसको आगे, ये कहां पे मिल रहा है, इस एन बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में ओ से ओ डी ए बी के लंब रूप खींचो, ओ से ओ डी एक लंब रूप खींचा गया, ठीक है, इस पर लंब बना दिया गया है। अब देखो जैसे कि हमने अभी किया था कि m प्लस एन कॉट थीटा, ये थीटा हो गया वही, और n कॉट फॉर्मूला m कॉट अल्फा माइनस n कॉट बीटा, या फिर n कॉट a
एम कॉट बी, हम दोनों में किसी एक को लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद में कोण ए ओ डी और कोण बी ओ डी इज इक्वल टू अल्फा हो गया, ठीक है। कोण ए ओ डी, ए ओ और डी, कोण ए ओ डी क्या हो गया अल्फा, और बी ओ डी भी अल्फा हो गया, बी ओ डी अल्फा हो गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे टू अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है, टू अल्फा कोण बन रहा है। हमने पहले लिया था कोण ए ओ बी बराबर टू अल्फा, यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर टू अल्फा, ये क्या हो जाएगा टू अल्फा हो जाएगा ये कोण जो है। अब इसके बाद में तथा कोण डी ओ जी इज इक्वल टू 90 माइनस कोण डी जी ओ, देखो यहाँ पे डी ओ जी का मतलब क्या हो गया, ये डी हो गया, ये ओ हो गया, और जी कहाँ पे है, एक जी यहाँ पे बन रहा है। कोण डी ओ जी क्या हो जाएगा 90 माइनस डी जी ओ हो जाएगा, डी जी ओ, क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो कि एक समकोण त्रिभुज है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये ओ है और ये जी है और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो ये तो 90 डिग्री है, ये ऑब्वियसली 90 माइनस डी ओ जी हो जाएगा, या फिर इसको देखा जाए तो ये 90 माइनस डी जी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही किया गया है। अब यहाँ पे अब ये किसके इक्वल है, 90 माइनस डी जी ओ जो है, मतलब ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो किसके इक्वल है, डी ए एन, तो डी डी कहाँ पे, ये डी हो गया और ये ए हो गया और ये एन हो गया, तो ए एन के इक्वल हो जाएगा। ये जो कोण बन रहा है वो सेम है इस कोण के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया, थीटा लिया है, उस कोण को हमने मान लिया थीटा, मतलब कि ये भी क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा बन जाएगा, और ये 90 है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति प्रमेय से ये क्या हो गया, इसको याद रखना कि ये क्या हो गया, एक थीटा हो गया। तो m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉस ए, ये कॉट है, एन कॉट ए माइनस एम कॉट बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी कॉट थीटा, तो थीटा कहां पे है, ओ जी बी, ओ जी बी थीटा है, ओ जी बी थीटा है। अब यहां पे थीटा का जगह रख दिया हमने, और उसके बाद में ए किसके इक्वल है, ओ ए बी के इक्वल है, ठीक है, ए बी और ओ बी ए, हम इसको कोण ले लिए तो ओ बी ए हो गया। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, तो ए प्लस बी कॉट 90 माइनस थीटा, इसको किसके इक्वल लिए थे, 90 लिए थे, अगर इसको थीटा ले लिए, अच्छा इसको थीटा ले लिए हैं, देखिए डी ओ जी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, ये थीटा के इक्वल है, ये जी डी ओ जी थीटा के इक्वल है, ठीक है, ये ओ कोण जो है थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी जी ओ जो है, ओ जी बी क्या है, ओ जी बी जो है 90 माइनस थीटा कोण बन जाएगा, और राइट साइड में ओ ए बी की वैल्यू, ओ ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस अल्फा के इक्वल, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, ठीक है, और यहाँ पे भी अल्फा है, तो ये भी क्या बन जाएगा 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण बना हुआ 90 है, यहाँ पे जो कोण बना है वो 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, ये अल्फा है, क्योंकि उसको 2 अल्फा लिए थे हमने, 90 माइनस अल्फा कॉस्ट 90 माइनस अल्फा। तो देखिए कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा होता है, कॉट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 10 अल्फा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये दोनों कॉमन है, कॉमन निकाल दिए, तो क्या बचा, बी माइनस ए बचा, तो बी माइनस ए आ गया, कॉट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा आ गया, और लेफ्ट साइड में कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा आ गया। हमें 10 थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए लाने, तो इसको पक्षांतर कर दिए, डिवाइड में ले आए, तो क्या हो गया 10 थीटा इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए 10 अल्फा, ठीक है। छोटा सा है, बस आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इसमें चित्र कैसा बना है ध्यान दीजिएगा अच्छे से, और किस प्रकार से लिया गया है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है जिससे सॉल्व हो जाएगा, और ये थ्योरी अगर लिख पाओ बहुत अच्छी बात है, बाकी नहीं लिखोगे तब भी चल सकता है, लेकिन थ्योरी
तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।